चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। हम लोग शुरुआत करेंगे राष्ट्रगान से और सब लोग अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाएंगे और राष्ट्रगान से आज के SPPI ज्ञान सम्मान प्रतियोगिता का शुभारंभ करने जा रहे हैं। जन गण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता। पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्रविड़ उत्कल बंगा विंध हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जल तिरंगा। तब शुभ नाम जागे तब शुभ आशीष मांगे गाहे तब जय गाथा। जन गण मंगल दायक जय हे भारत भाग्य विधाता। जय जय भारत। जैसा कि आप लोगों को पता है हम लोग हर वर्ष पढ़ाई में रुचि बढ़ाने के लिए क्यूज कंपटीशन का आयोजन करते आ रहे हैं। इसी आलोक में इस वर्ष भी हम लोग SPPI ज्ञान सम्मान प्रतियोगिता 2021 का आयोजन कर रहे हैं। 6 राउंड चलेगा। नियम और शर्तें आप लोगों को पता है और जब जब प्रत्येक राउंड शुरू होगा उसके अनुसार से हम आपको बताते भी रहेंगे, ठीक है। तो आइए, एक राउंड जो आप लोगों का टेस्ट था वो पहले हो चुका है। लिखित टेस्ट के आधार पर प्रतिभागी को चुना गया है जिसमें से 20 प्रतिभागी को छांटा गया है और इसमें से अंतिम 3 प्रतिभागी को पुरस्कृत किया जाएगा। तो इसमें आज का जो पहला राउंड है उसका नाम है रुचिकर और इस राउंड में आप सभी प्रतिभागी को 8 सब्जेक्ट में से 1 सब्जेक्ट चुनना था जो आप लोगों ने पहले से चुन के रख लिया है और इस प्रत्येक जो प्रतिभागी जो सब्जेक्ट चुने हैं उसमें से आपको 3-3 प्रश्न पूछे जाएंगे। प्रत्येक प्रश्न 10 अंक का होगा और अगर ऑब्जेक्टिव होगा गलत उत्तर देने पर 5 अंक काट लिए जाएंगे। प्रत्येक प्रतिभागी से 3-3 प्रश्न पूछे जाएंगे प्रत्येक ग्रुप से। ग्रुप का ये फायदा है कि जिस ग्रुप में हैं तो शुरुआत में यानी कि 4 राउंड तक अपने ग्रुप के लोगों से ही आपका फाइट है। ऐसा नहीं है कि ग्रुप मजबूत है तो वो सबसे ज़्यादा मजबूत, जिसका ग्रुप मजबूत है उसका मतलब उसका प्रतिद्वंदी ज़्यादा मजबूत है, ठीक है। क्योंकि आपको अपने ग्रुप से लोगों को अपने ग्रुप में से लोगों को छांट कर निकालना है, उसमें से एक व्यक्ति आगे बढ़ेंगे। तो ग्रुप वाइज हम क्वेश्चन पूछेंगे। ग्रुप वाइज क्वेश्चन में पहला राउंड का शुरुआत कर रहे हैं। पहला राउंड है रुचिकर और हम सीधे बढ़ेंगे ग्रुप ए की तरफ। तो ये शुरू करते हैं, तालियों के साथ क्यूज का आरंभ करिए। ग्रुप ए और पहला प्रश्न होगा रामलेख से, इनका सब्जेक्ट है करंट अफेयर्स और करंट अफेयर्स से पहला प्रश्न। इस ग्रुप में 3 प्रश्न पूछे जाएंगे, तीनों ऑब्जेक्टिव किस्म का प्रश्न होगा और देखिए इस ग्रुप में जवाब देने के लिए 20 सेकंड निर्धारित है, ठीक है। पहला प्रश्न रामलेख से है, करंट अफेयर्स से है। प्रतिवर्ष राष्ट्रीय युवा दिवस किस दिन को मनाया जाता है? ऑप्शन ए है 10 जनवरी, ऑप्शन बी 11 जनवरी, ऑप्शन सी 12 जनवरी और ऑप्शन डी 13 जनवरी और आपका समय शुरू हो चुका है। अब समय समाप्त हो चुका है, कोई जवाब नहीं आया, 0 अंक पे हैं। आपके लिए इसी सब्जेक्ट से दूसरा प्रश्न है,
दूसरा प्रश्न है, आईपीएल टीम किंग्स इलेवन की फ्रेंचाइजी ने हाल ही में टीम का नाम बदलकर क्या कर दिया है? ऑप्शन इस प्रकार है, ऑप्शन ए पंजाब इलेवन, ऑप्शन बी पंजाब हीरो, ऑप्शन सी पंजाब पावर और ऑप्शन डी है पंजाब किंग्स। और आपका समय शुरू होता है अब। ऑप्शन ए सर। ऑप्शन ए आपका जवाब है, श्योर है? ऑप्शन ए ये श्योर है और ये आपका गलत जवाब है, क्योंकि सही जवाब है ऑप्शन डी पंजाब किंग्स। अभी तक खाता नहीं खुला है, जीरो आपका स्कोर है। तीसरा प्रश्न, हाँ माइनस, गलत जवाब हुआ है तो माइनस पांच होगा, ठीक है, तो माइनस पांच पे आप पहुंच गए हैं। और आपके लिए अगला जो प्रश्न है वो है, दुनिया के सबसे बड़े क्रिकेट ग्राउंड मोटेरा का नाम निम्न में से किसके नाम पर करने की घोषणा की गई है? ऑप्शन ए है नरेंद्र मोदी, ऑप्शन बी सचिन तेंदुलकर, ऑप्शन सी सौरभ गांगुली और ऑप्शन डी अमित शाह। और आपका समय शुरू होता है अब। ऑप्शन ए सर। दुनिया के सबसे बड़े क्रिकेट ग्राउंड मोटेरा का नाम निम्न में से किसके नाम पर करने की घोषणा की गई है? नरेंद्र मोदी, सचिन तेंदुलकर, सौरभ गांगुली, अमित शाह। नरेंद्र मोदी सर। नरेंद्र मोदी आपका जवाब है, श्योर है? नरेंद्र मोदी जवाब है और ये जवाब आपका बिल्कुल सही जवाब है। मिलते हैं इसी के साथ, पहला राउंड का आपसे क्वेश्चन समाप्त हुआ। अब बढ़ते हैं अगले प्रतिभागी की तरफ। अगले प्रतिभागी जो ग्रुप ए में है वो है घनश्याम कुमार चौधरी और इनका सब्जेक्ट है करंट अफेयर्स। और आपके लिए पहला प्रश्न है, टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में युवराज सिंह के बाद लगातार 6 गेंदों पर 6 छक्के मारने वाला विश्व का दूसरा खिलाड़ी इनमें से कौन बन गया है? क्वेश्चन समझ गए? टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में युवराज सिंह के बाद लगातार 6 गेंदों पर 6 छक्के मारने वाला विश्व का दूसरा खिलाड़ी इनमें से कौन बन गया है? और आपका ऑप्शन है ए किरण पोलार्ड, बी महेंद्र सिंह धोनी, सी रविंद्र जडेजा और डी विराट कोहली। समय शुरू होता है अब। करण पोलार्ड ए। कंफर्म है? ऑप्शन ए। कंफर्म, ऑप्शन ए आपने कहा है और ये आपका जवाब बिल्कुल सही है। आपके लिए अगला प्रश्न है, फिल्म फेयर अवार्ड 2021 में किसे बेस्ट अभिनेत्री का अवार्ड दिया गया है? एक बार फिल्म प्रश्न फिर से दोहरा देता हूं, फिल्म फेयर अवार्ड 2021 में किसे बेस्ट अभिनेत्री का अवार्ड दिया गया है? ऑप्शन इस प्रकार है, ए करिश्मा कपूर, बी माधुरी दीक्षित, सी आलिया भट्ट और डी तापसी पन्नू। समय आपका शुरू हो चुका। माधुरी दीक्षित। माधुरी दीक्षित आपका जवाब है, आप श्योर हैं या बदलना चाहेंगे? श्योर है माधुरी दीक्षित आपने कहा है और ये जवाब आपका गलत जवाब है। आपके लिए अगला प्रश्न है, भारत के 48वें मुख्य न्यायाधीश कौन नियुक्त किए गए हैं? भारत के 48वें मुख्य न्यायाधीश कौन नियुक्त किए गए हैं? ऑप्शन है एम एस राव, ऑप्शन बी के गोखले, ऑप्शन सी जे एस पॉलीवाल और ऑप्शन डी एन वी रमन्ना। आपका समय शुरू हो चुका है। और ये जो आपका जवाब है एन वी रमन्ना, ये जवाब खोजना पड़ेगा। ये बिल्कुल सही जवाब है। तो आपसे क्वेश्चन, तीन क्वेश्चन आपका हो गया है, आपके कोटा का प्रश्न खत्म होता है और आप मैं अगले प्रतिभागी को सौंप देंगे। अगला प्रतिभागी है श्रद्धा कुमारी और जिनका सब्जेक्ट है करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स से आपसे पहला क्वेश्चन है,
हाल ही में रोहित सरदाना का निधन हुआ है, वह कौन थे? हाल ही में रोहित सरदाना का निधन हुआ है, वह कौन थे? ऑप्शन इस प्रकार है, पत्रकार, यूट्यूबर, गायक, इतिहासकार। और आपका समय शुरू हो चुका है। ऑप्शन है पत्रकार, यूट्यूबर, गायक और साहित्यकार। ऑप्शन ए, ऑप्शन ए है पत्रकार। समय भी खत्म हो चुका है और ये जो आपका जवाब है ये बिल्कुल सही जवाब है। आपको मिलते हैं 10 अंक। आपके लिए दूसरा प्रश्न है, तमिलनाडु के नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं? हाल ही में बने हैं तमिलनाडु के नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं? ऑप्शन इस प्रकार है, एस रघुपति, एमपी स्वामीनाथन, आर चक्रपाणी और एम के स्टालिन। ऑप्शन, और आपका समय शुरू होता है अब। ऑप्शन है एस रघुपति, एमपी स्वामीनाथन, आर चक्रपाणी और एम के स्टालिन। एस रघुपति, एमपी स्वामीनाथन, आर चक्रपाणी और एम के स्टालिन। मालूम नहीं है तो कुत्ता मत मारना। समय खत्म होने जा रहा है, 5 सेकंड बचा है। और समय खत्म हो चुका, जवाब आपके तरफ से नहीं आया है, 0 अंक मिलेंगे इस प्रश्न के लिए। इसका सही जवाब हमको बताना पड़ेगा और इसका सही जवाब है, जनता की तरफ से कोई बताएंगे? बताइए। एम के स्टालिन इज राइट आंसर। नाम बता दीजिए। आपके लिए अगला प्रश्न है, हेमंत विश्व शर्मा किस राज्य के नए मुख्यमंत्री बने हैं? प्रश्न एक बार फिर से दोहरा देता हूं, हेमंत विश्व शर्मा किस राज्य के नए मुख्यमंत्री बने हैं? ऑप्शन ए है असम, ऑप्शन बी है केरल, ऑप्शन डी है सी है तमिलनाडु और ऑप्शन डी है मणिपुर। और आपका समय शुरू हो चुका है। हेमंत विश्व शर्मा किस राज्य के मुख्यमंत्री बने हैं? असम, केरल, तमिलनाडु, मणिपुर। और आपका समय शुरू समाप्त हो चुका है। इसका आंसर हमको बताना पड़ेगा लेकिन पहले ऑडियंस से पूछ लेते हैं, ऑडियंस में कोई बताएंगे कि असम के हेमंत विश्व शर्मा किस राज्य के नए मुख्यमंत्री बने? असम के बताएंगे। चलिए आप बैठ जाइए, आपसे प्रश्नों का कोटा पूरा हो चुका है। अब हम बढ़ते हैं ग्रुप ए में, जो चौथे कंटेस्टेंट हैं, जो चौथे प्रतिभागी हैं, वो है प्रीति कुमारी। और आपका भी सब्जेक्ट है करंट अफेयर। पहला क्वेश्चन आपके लिए है, हाल ही में भारत के किस पड़ोसी देश ने अपनी संसद को भंग कर दिया? प्रश्न है, हाल ही में भारत के किस पड़ोसी देश ने अपनी संसद को भंग कर दिया है? ऑप्शन ए इस प्रकार है, नेपाल, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी है म्यांमार, ऑप्शन सी श्रीलंका और ऑप्शन डी है भूटान। और आपका समय शुरू हो चुका है। ऑप्शन ए, नेपाल, म्यांमार, श्रीलंका और भूटान। आपका जवाब है, बदलना चाहेंगे तो आप बदल सकते हैं क्योंकि आपके पास अभी भी 10 सेकंड का समय है। नहीं बदलना चाहेंगे? कंफर्म? आपने इसका आंसर कहा है भूटान, और ये जो जवाब है ये आपका बिल्कुल सही जवाब नहीं है। आपको -5 अंक मिलेगा। और आपके लिए अगला प्रश्न है,
हाल ही में प्रसिद्ध व्यक्ति मिल्खा सिंह का निधन हुआ था। हाल ही में प्रसिद्ध व्यक्ति मिल्खा सिंह का निधन हुआ, वह क्या थे? ऑप्शन ए है लेखक, ऑप्शन बी मुक्केबाज, ऑप्शन सी धावक और ऑप्शन डी है निशानेबाज। और आपका समय शुरू हो चुका है। मिल्खा सिंह क्या था? हाल ही में निधन हुआ है, लेखक मुक्केबाज धावक और निशानेबाज। निशानेबाज, 4 सेकंड बचा, बदल भी नहीं सकते आप आंसर, और अब देखना पड़ेगा कि ये जवाब आपका सही है या नहीं है, और ये जवाब आपका गलत जवाब। इसका जो सही जवाब है, चूंकि एक ऑप्शन ये बोल ही दिया है तो गेस करने ऑडियंस को आसानी होगी, इसीलिए सीधे सीधे हमको बताना पड़ेगा। जिसका जवाब नहीं आएगा वो ऑडियंस पे जाएगा, ठीक है। इसका जो सही जवाब है धावक, मिल्खा सिंह धावक थे। इन पर एक फिल्म बन चुका है, भाग मिल्खा भाग, ठीक है। और 12वां प्रश्न यानी कि आपके लिए 3रा प्रश्न है और अंतिम प्रश्न है आपके लिए। हाल ही में किस क्रिकेट टीम ने वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप 2021 की पहली ट्रॉफी जीती है? हाल ही में किस क्रिकेट टीम ने वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप 2021 की पहली ट्रॉफी जीती है? ऑप्शन इस प्रकार है, इंग्लैंड, बी में भारत, सी श्रीलंका और डी में न्यूजीलैंड। और आपका समय शुरू हो चुका है। समय खत्म हो गया, जवाब नहीं आया है। हम बढ़ना चाहेंगे ऑडियंस की तरफ, ऑडियंस में से कोई इसका जवाब देंगे, बताइए। इंग्लैंड गलत जवाब है, न्यूजीलैंड सही जवाब है। पहले टीम के साथ फर्स्ट राउंड समाप्त हो चुका है, और फर्स्ट राउंड के समाप्ति पर हम स्कोरर महोदय की तरफ पढ़ना चाहेंगे और पता करना चाहेंगे कि फर्स्ट राउंड के अंतिम में ग्रुप ए के किस प्रतिभागियों के पास कितना स्कोर है। अभी जो फर्स्ट राउंड का आपके पास जो प्रश्न पूछा गया है उसमें से जो इसका स्कोर जो है उसमें प्रीति कुमारी -10, श्रद्धा कुमारी 10, घनश्याम कुमार 15 और रामलेख 5।